हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जो हम लालीगा का मैच कवर करने वाले हैं वो खेला जाएगा सेल्टा वीगो वर्सेस रियल मैड्रिड के बीच। मैच का वेन्यू होगा वीगो, किक ऑफ होगा लेट नाइट 1:30 AM पे। तो बात की जाए रियल मैड्रिड की, आप सब इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। ये क्लब लालीगा का ही नहीं वर्ल्ड का भी वन ऑफ द बेस्ट क्लब माना जाता है। इनका मैच है सेल्टा वीगो से, जो कि लालीगा में एक मिड टेबल का क्लब है। लास्ट सीजन इन्होंने 11th पोजीशन में फिनिश किया था। तो जो रियल मैड्रिड है हर साल की तरह इस बार भी वन ऑफ द फेवरेट है लालीगा का टाइटल जीतने का। तो इस मैच में रियल मैड्रिड ही एक क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है इस मैच को विन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस मैच की लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टॉप पिन कमेंट में, वहाँ से जुड़ के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑलमोस्ट सभी फुटबॉल मैचेस मैं इसी टेलीग्राम चैनल में कवर करता हूँ। वापस अपने मैच पे आते हैं, तो जैसा मैंने बताया रियल मैड्रिड इस मैच में फेवरेट है, तो स्मॉल लीग में हम रियल मैड्रिड को ही बैक करके अपनी टीम बनाने वाले हैं। अभी इन दोनों क्लब ने लालीगा के न्यू सीजन में एक एक मैच खेल लिया है। तो रियल मैड्रिड अपना पहला मैच 2-1 के मार्जिन से अल्मेरिया से जीती थी। डेविड अलावा और लुकास वेस्केज ने गोल मारा था, बेंजिमा का असिस्ट आया था। जबकि सेल्टा वीगो ने अपना पहला मैच 2-2 के मार्जिन से एस्पेन्योल के अगेंस्ट ड्रॉ खेला। इयागो एस्पेस उनके टेलिसमैन पसेंसिया इन दोनों ने गोल मारा, सोलारी और जावी कलन का असिस्ट आया था। तो ये दोनों के पहले मैच के रिजल्ट है। रियल मैड्रिड अपना पहला मैच जीत के आ रही है, जबकि सेल्टा वीगो एक ड्रॉ करा के यहाँ पे आ रही है। बाकी मैंने बता दिया फेवरेट रियल मैड्रिड है, तो हम उनको ही बैक करके अपनी टीम बनाएंगे। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं वहां भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आप रियल मैड्रिड फेवर की ले जाना। तो डायरेक्ट हम प्रोबेबल लाइनअप पे आते हैं। पहले फेवरेट्स रियल मैड्रिड की बात करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये फेवरेट्स हैं, इनके ही हम मैक्सिमम प्लेयर पिक करेंगे स्मॉल लीग में, यानी कि हम 7 प्लेयर रियल मैड्रिड के ही पिक करने वाले हैं। तो बड़ी न्यूज़ क्या है, क्रूस और रोड्रिगो इस मैच में बाहर हैं, और कैसेमिरो के बारे में आप सब जानते ही होंगे, आपने न्यूज़ पढ़ी ली होगी, वो अब क्लब छोड़ के मैनचेस्टर यूनाइटेड जाने वाले हैं। तो कैसेमिरो अब रियल मैड्रिड के प्लेयर नहीं रहे। तो अब हम देखते हैं रियल मैड्रिड की प्रोबेबल 11। तो इस मैच में रियल मैड्रिड की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी हो सकती है, थिबो कोर्टुआ इनके गोलकीपर होने वाले हैं, 4 इनके डिफेंडर होंगे डैनी कारवाहाल, एडर मिलिटाओ, डेविड अलाबा और फर्लांड मेंडी। अब इस मैच में रियल मैड्रिड का क्लीन शीट का बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है, बट दूसरी तरफ रियल मैड्रिड इजीली 2 से 3 गोल भी स्कोर कर सकती है और उनके अटैक में अच्छी क्वालिटी भी है। तो अभी के लिए आपको सेफ जाना है, आप चारों डिफेंडर भी पिक कर सकते हैं। आप हल्का रिस्क टेक करें तो एक एक्स्ट्रा अटैकर ले आके डिफेंडर 3 ही पिक कर सकते हैं। अभी मैं 3 डिफेंडर और 4 अटैकिंग प्लेयर वाला फॉर्मूला के साथ जा रहा हूँ, बट आपको सेफ जाना है, आप चारों पिक कर लेना। फिलहाल के लिए मैं डेविड अलावा, एडर मिलिटाओ और करवाहाल इन 3 डिफेंडर को पिक करके चल रहा हूँ। जिस एक डिफेंडर को मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ फर्लांड मेंडी है। अलावा का सीजन स्टार्ट बहुत अच्छा रहा, पिछले मैच में लालीगा के पहले मैच में गोल मारा, उससे पहले यूएफए सुपर कप का फाइनल हुआ था उसमें भी एक हेडेड गोल इन्होंने मारा था। तो अलावा मस्ट पिक रहेंगे, डिफेंसिव वाइज सॉलिड है, पिछले मैच में फ्री किक में गोल मारा है और पासेस वगैरह भी बहुत करेंगे, क्लीन शीट होने में उसके पॉइंट देंगे। मिलिटाओ भी हेडर में बहुत ज़्यादा सॉलिड है, पासेस और डिफेंसिव वाइज सॉलिड है, जबकि राइट साइड से करवाल बहुत अटैक करते हैं, कभी भी असिस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों को पिक कर रहा हूँ, किसी एक को सेक्रीफाइस करना मैं अभी के लिए मेंडी को कर रहा हूँ जो डिसेंट है, बट आपको लगता है मेंडी भी अच्छा करेंगे तो आप चारों को पिक करके चल सकते हैं। आपको मेंडी पिक करना है उस केस में आप मिलिटाओ को सेक्रीफाइस करके फर्लांड मेंडी को पिक करके ले जा सकते हैं। अब इस सीजन क्या होगा ना, कासेमिरो है नहीं तो चुआमेनी कामाविंगा पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ऑल्दो ये पिछले मैच में दोनों ही जल्दी सब्स्टिट्यूट हो गए थे, इस वजह से मैं अभी के लिए पिक नहीं कर रहा हूँ और मैं अभी ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर्स पे फोकस करने वाला हूँ। लेकिन ये दोनों ही ऐसे प्लेयर है ना जो विदाउट गोल असिस्ट 20 से 25 सेव पॉइंट दे सकते हैं, दोनों टैकलिंग इंटरसेप्शन डिफेंसिव पॉइंट वाइज अच्छे हैं, पासिस वगैरह भी करते हैं, बट अभी के लिए मैंने दोनों को ही इग्नोर किया है। मैं ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर्स पे फोकस करूंगा जो मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर हो सकते हैं। तो मैं लुका मॉड्रिच को शोली पिक करूंगा, आज क्रूज है नहीं तो उनके एब्सेंस में मोस्ट प्रोबेबली सारी कॉर्नर की फ्री किक लेंगे, ओपन प्ले से गोल असिस्ट भी कर सकते हैं, बाकी चांसेस वगैरह बहुत क्रिएट करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर में काउंट होते हैं। मैं बेंजिमा और विनीशियस को सोली पिक करने वाला हूँ, रियल मैड्रिड के नहीं वर्ल्ड के 2 बेस्ट डेडलीस्ट अटैकिंग प्लेयर में भी इनका नाम आएगा। बेंजिमा ने पिछले सीजन बहुत गोल मारते, विनीशियस ने भी बहुत गोल मारते, बेंजिमा पेनल्टी में भी होंगे, तो ये दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टनसी के भी टॉप ऑप्शन रहेंगे। तो मैं इन दोनों को भी पिक कर रहा हूँ, मैं मॉड्रिच को पिक कर रहा हूँ और मैं अभी के लिए फेडे वलवर्डे के साथ भी जा रहा हूँ। वलवर्डे जो है थोड़ा एडवांस रोल में खेलेंगे एज अ राइट विंगर, ऑल्दो इनकी पोजीशनिंग पूरी राइट विंगर नहीं होती, राइट मिडफील्ड आप कह लीजिए एक तरीके से। जब ये डिफेंस कर रहे होते हैं, डिफेंडिंग में होते हैं, जब ट्रांजिशन में होते हैं,
तो तब तो अटैकिंग वाइज 4-3-3 खेलते हैं, जब थोड़ा डिफेंस कर रहे होते हैं तो 4-4-2 बन जाती है। वलवेटे आपको थोड़ा बहुत डिफेंसिव वर्क करके भी देंगे, बहुत ज़्यादा चांस क्रिएट भी करते हैं, गोल असिस्ट करने में भी केपेबल है। अभी के लिए मैं वलवेटे के साथ जा रहा हूँ, बट आपको लगता है वलवेटे उतना अच्छा कर नहीं पाएंगे तो आप वलवेटे हटा के सीधे 4-3 डिफेंडर मेंडी मिलिटाओ में जो भी होगा उसको पिक करके चल सकते हैं। तो ये रियल मैड्रिड की प्रोबेबल 11 थी, लगभग सभी चीज़ें मैंने यहाँ से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। अभी के लिए मैं करवाहाल, मिलिटाओ, डेविड अलाबा, लुका मॉड्रिच और साथ में वलवर्डे, बेंजिमा, विनीसियस जूनियर, इन 7 प्लेयर्स के साथ जा रहा हूँ। बाकी मैंने बता दिया पेनल्टी इनकी बेंजिमा ही लेने वाले हैं और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के भी टॉप ऑप्शन इस मैच में बेंजिमा और विनीसियस का ही प्लेयर रहेगा। फिलहाल अपोनेंट पे आते हैं, उससे पहले एक बार फिर से रिमाइंड दिला देता हूँ, इस मैच की जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स होगी उसके लिए आपको ज्वाइन कर लेना है मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन या टॉप पिन कमेंट में, वहां से जुड़ के आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपोनेंट केल्टा वीगो की। मार्केसिन इनके न्यू गोलकीपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड ज्यादा अटैक करेगी तो मार्केसिन हमें अच्छे सेव करके दे सकते हैं। गोलकीपर में केल्टा का मार्केसिन को ही पिक करके चल रहा हूं। 4 इनके डिफेंडर है ह्यूगो मायो, आईडू, नूनेच और हावी गलान। अब फिलहाल के लिए इनके डिफेंस में भी एक दो अच्छे ऑप्शन जरूर है, जैसे गलान बहुत अच्छे हैं, पिछले मैच में असिस्ट दिया, डिफेंसिव वाइज भी अच्छे हैं, असिस्ट पोटेंशियल भी है, मालो भी ठीक ठाक है, बट अभी मैं एक भी डिफेंडर पिक करके नहीं आऊँ, बट आपको किसी एक के साथ जाना है, मेरी नंबर वन चॉइस गलान ही रहेंगे। अगर एक से ज़्यादा सरप्राइजिंगली आप चूज़ करते हैं तो आप मायो को भी ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए किसी एक को रिकमेंड करना हो मैं गलान को करूँगा, वैसे मैंने एक भी डिफेंडर अभी पिक नहीं किया। रिनातो टापिया ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट देता था, मैं लास्ट टू लास्ट सीजन की बात कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट सीजन ना उतने ज़्यादा टैकल इंटरसेप्शन नहीं आए जितने पिछले के पिछले सीजन आते थे, डिसेंट से आए फिर भी एक दो टैकल एक दो इंटरसेप्शन कर सकता है, तो मिडफील्ड में एक डिसेंट ऑप्शन रहेगा, मैं मस्ट पिक नहीं कह रहा हूँ बट एक डिसेंट ऑप्शन आपके लिए रह सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। अभी मैं बेल्ट्रान के साथ जा रहा हूँ, ऑल्दो मैंने यहाँ पे पोजीशनिंग सेंट्रल मिडफील्ड लिखी है, लेकिन ये भी टापिया के साथ डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलेंगे, टैकलिंग इंटरसेप्शन वाइज बहुत कंसिस्टेंट है और सिलेक्शन भी आई है, असिस्ट पोटेंशियल भी है, तो अभी के लिए मैं बेल्ट्रान के साथ जा रहा हूँ। और मैं अभी के लिए सर्वी को भी पिक कर रहा हूँ, जो डिफेंसिव वर्क के साथ साथ गोल असिस्ट करने में भी केपेबल है, तो अभी मैं मिडफील्ड से बेल्ट्रान और सर्वी के साथ जा रहा हूँ। आप सर्वी वाले प्लेस में चाहे तो टापिया को भी पिक करके चल सकते हैं। ऑस्कर रोड्रिगेज इनकी न्यू साइनिंग है, सविया से आया, पिछला मैच जो पहला मैच हुआ था उसमें कॉर्नर किक वगैरह लेता था, अटैकिंग वाइज तो अच्छा है बट उतना डिफेंसिव वर्क नहीं करता, तो इस वजह से अभी मैंने पिक नहीं किया है। इयागो एस्पेस को मैं शोली पिक करने वाला हूँ, इनका टेलिसमैन है, लास्ट कई सीजन से केल्टा वीगो के लिए सबसे ज्यादा गोल एस्पेस ही मारता है, पेनाल्टी टेकर भी यही है, तो मैं अभी के लिए एस्पेस के साथ जा रहा हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है रियल मैड्रिड एक आध गोल कंसीड कर सकती है, बट अगर आप श्योर है ना कि एस्पेस का गोल असिस्ट नहीं आएगा, मतलब रियल मैड्रिड गोल कंसीड नहीं करेगी, क्लीन शीट कन्फर्म लग रहेगी, तो आप सिंपली एस्पेस को हटा के हलान या रिनातो टापिया में किसी एक को पिक करके ले जा सकते हैं। बाकी पसेंसिया भी इनकी न्यू साइनिंग है, इंट्राक फ्रैंकफर्ट से है, पहले मैच में गोल मारा लेकिन हमने फ्रैंकफर्ट में देखा है बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, आज सामने जो डिफेंस है वो वर्ल्ड क्लास है, तो इतना इजी नहीं होगा यहाँ पे पसेंसिया के लिए स्कोर कर पाना। तो ये रियल मैड्रिड ये केल्टा वीगो की प्रोबेबल 11 थी, लगभग सभी चीज़ें मैंने यहाँ से भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। अभी के लिए मैं इनके गोलकीपर को पिक कर रहा हूँ, मैं बेल्ट्रान और सर्वी को पिक कर रहा हूँ और मेरा फोर्थ प्लेयर एस्पास है, बट आप एस्पास वाले प्लेस में अगर आप श्योर है रियल मैड्रिड क्लीन शीट रख लेगी, टापिया या गलान में किसी को पिक कर सकते हैं, आप सर्वी हटा के टापिया या गलान में किसी एक के साथ जा सकते हैं। बाकी पेनाल्टी मैंने बता दिया एस्पास लेंगे। फिलहाल जो मेरी प्रेडिक्शन है, मैं एक 2-0 या एक 2-1 रियल मैड्रिड विक्ट्री के साथ जा रहा हूँ। रियल मैड्रिड इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है। तो ये मेरी डेमो रफ टीम है, गोलकीपर मैंने मार्केसिन लिए हैं जो केल्टा के हैं, मैंने अभी 3 डिफेंडर लिए रियल मैड्रिड के, डेविड अलावा, डेनी करवाहाल और मिलिटाओ, मैंने मॉड्रिक लिया, मैंने वलवर्डे को पिक किया है, मैंने बेंजिमा को पिक करके कैप्टन किया और विनीसियस जूनियर को पिक करके मैंने वाइस कैप्टन किया है। यहाँ मैं एस्पास ले गया हूँ, सर्वी और बेल्ट्रान ले गया हूँ, मैंने चेंजेस आपको बता दिए थे, आपको लग रहा है एस्पास फ्लॉप जाएंगे, रियल मैड्रिड क्लीन शीट रखेगी एस्पास हटा के, मिडफील्ड में आप रेनातो टापिया या डिफेंस में आप जो उनका लेफ्ट बैक है गलान, उस प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, या आप सर्वी हटा के भी गलान या टापिया में किसी के साथ जा सकते हैं। फिलहाल कैप्टन वाइस कैप्टनसी में अभी के लिए बेंजिमा और विनीसियस को ही करने वाला हूँ। तो अभी के लिए ये मेरी डेमो रफ टीम थी, जो भी मेरी अपडेटेड फाइनल टीम होगी विद कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मिलेगी लाइनअप आने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए।